में कल से पानी की समस्या है, क्या है पता है पूरा मामला? मानगढ़ नगर निगम द्वारा कल दोपहर 12 बजे जहां से फिल्टर प्लांट है वहां ट्रांसफार्मर जल गया। जलने के बाद 24 घंटा लगा उसे रिपेयरिंग होने में, जो कि यह मूलभूत सुविधा में आता है, और 30,000 घरों में पानी ठप है कल 12 बजे से। ऐसे यहां पर जनप्रतिनिधि फ्लाई ओवर और फलना ढेकना की बात करते हैं, और एक छोटी सी जो आदमी का जो जरूरत की चीज़ है पानी, उसकी समुचित व्यवस्था नहीं है। मानगढ़ नगर निगम होल्डिंग टैक्स ले रहा है, पानी का बिल ले रहा है, और लोगों को जनता को पानी नहीं मिला। जनता त्राहिम, आज स्वर्णरेखा नदी के तट पर जा देखिए, हजारों लोग आज नदी पर आश्रित है, जाकर वहाँ पर नहा रहे हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं, और बाल बच्चे जो भी हैं पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे नगर निगम और ऐसे यहाँ के विधायक विधायक और मंत्री जी कम से कम शुद्ध लेना चाहिए कि किस क्षेत्र में पानी जा रहा और नहीं जा रहा। वहाँ के लोग पानी का शुल्क जमा कर रहे हैं लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा। ऐसे मंत्री को अपने व्यवस्था को देखते हुए उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए, और नगर निगम को भी संज्ञान में लेना चाहिए किस क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है। नहीं तो ऐसे मंत्री को और नगर निगम को रहने का कोई अधिकार नहीं है।